नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे गुलाब थे तो गुलाब के पौधों पे जो उनकी पत्तियाँ थी उन पे डिजीज आ गए थे, कुछ कीड़े पड़ गए थे। तो मेरे सारे गुलाबों पे नहीं पड़े थे, दो चार गुलाबों पे ही पड़े थे। तो मैंने अपने सारे गुलाब को डिफोलिएट कर दिया, मतलब मैंने इनके सारे पत्ते उतार दिए। लगभग 23 मार्च को उतार दिए थे, आज 26 मार्च है। तो देखिए, अब जो ये तो मेरा कटिंग से है, तो आपको आपके पास जो भी इंग्लिश रोज हैं, देखिए मैं इसको हमेशा कट करते रहा हूँ। तो ये जो है छोटा है, मेरा ग्राफ्टेड सारे भी छोटे हैं। तो ये देखिए, ये जो है बिल्कुल अंदर से निकल गया है, लेकिन ये देखिए इसमें बॉड्स है। तो इसे मैं हटा दूंगा क्योंकि ये अभी सही से ग्रो करेगा नहीं। तो मैं बताया था कि इसके सारे पत्ते को डिफोलिएट कर दिया। इससे बेनिफिट है कि जो पत्तों का डिजीज था वो सारे पौधे से ख़त्म हो गया। और इसके ऊपर मैंने टिफोगर, जिस दवा को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उसी दवा का 10 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के और इसको यूज कर दिया इस पे। अब धीरे धीरे देखिए न्यू शूट्स निकल रहे हैं, और ये जो शूट्स निकलेंगे वो डिजीज फ्री होंगे, मतलब इनमें कोई रोग नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से ये आपको ख्याल रखना होगा कि इसको नियमित रूप से आप टिफोगर या फंगीसाइड, इसका लगभग 10 दिनों में एक बार हल्का सा, मतलब कम क्वांटिटी में स्प्रे कर देना होगा। इससे क्या होगा कि इस टाइम भी इसके पत्ते स्वस्थ रहेंगे और ये फ्लावरिंग भी करेगा। तो मैंने अपने सारे को कर दिया था। तो ये देख लीजिए, जितने को किए सब में नए नए स्प्राउटिंग हो रही है, मात्र 3 दिनों के ही असर है। ये देखिए देखिए इसमें बॉड है, इसे छोड़ देते हैं। तो डिफोलिएट करने का काफी अच्छा हमको रिजल्ट मिला है। तो ये सब तो कटिंग से ग्रो है। तो मेरे सारे गुलाब में लगभग स्प्राउटिंग होने लगी है, जैसे इसके सीजन में होती है। हाँ, इसके वाटरिंग का थोड़ा ख्याल रखें, मैं प्रतिदिन सुबह में इसमें पानी दे देता हूँ, लेकिन आज सुबह में नहीं दे पाया कुछ काम के वजह से। इससे एक दिन के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब तो खराब हो गए हैं, लेकिन मैंने इसमें वाटरिंग कर दी, एक स्प्राउटिंग हो रही है। ये इसका ग्राफ्टेड एरिया है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये है जिसको मैंने किया था, तो इसमें भी देखिए न्यू शूट्स सब निकलने लगे हैं। जितना भी बॉड है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रोथ करने लगा। और इसमें फ्लावरिंग थे, तो मैंने इसे केवल डिफोलिएट ही कर दिया था, इसके फ्लावरिंग को तोड़ा नहीं। इसके फ्लावरिंग अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसकी बात करें तो देखिए इसमें काफी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। यही हाल सारे पौधों का है। तो आप चाहे तो अपने पौधे को डिफोलिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी इसके बड्स जो हैं, क्योंकि ये अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये अपने पत्तों को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, जो न्यू पत्ते निकलेंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे। बस अब से इसको हर 10 दिन पे मैं इसे टिफोगर या फंगीसाइड भी है, मैं उसका इस्तेमाल करता रहूँगा, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी गर्मियों में भी। तो मैंने लगभग सारे को ही कर दिया है डिफोलिएट।
और प्रून नहीं करना दोस्तों, मैं और इसके जितने भी सूखे हुई लकड़ी थी सारे को मैंने कट कर दिया, लेकिन प्रूनिंग नहीं करना है। आप चाहें तो अगर उसमें बड्स निकले हुए हैं तो आप उसे सूखे बड्स हों उसको काट के हटा सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग नहीं करना है। ये काफ़ी स्पीडली ग्रोथ कर गया, इसमें कुछ ये छोटे छोटे थे लेकिन ये काफ़ी अच्छा, और देखिए काफ़ी हेल्दी जो लीफ है हेल्दी लीफ निकल रही है। ये इसको मैंने प्रून नहीं किया था लेकिन इसको हटा देता हूँ। ये देखिए इसमें नई नई काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों आप भी डिफोलिएट कर लीजिए, डिफोलिएट करने से आपके पौधे की इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाएगी और इसका ध्यान से आप फंगीसाइड का जो नई लीफ निकले उस पर जरूरत के हिसाब से फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। देखिए इसमें फिर चीटे लग गए हैं तो मैं इसमें फिर से दवा डाल दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके गुलाब की अच्छी ग्रोथ होगी इस गर्मी में भी, और इसे थोड़ा शेडी एरिया में रखें, जैसे हाफ लगभग 10-11 बजे तक कि गर्मी मिल जाए, धूप मिल जाए, उसके बाद ठंडक रहे तो और भी अच्छा ग्रो करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये वीडियो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।